दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र के बडूली गांव की रामसागर ढाणी में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। महिला के बेटे का आरोप है कि परिवार के अन्य सदस्यों ने फांसी लगाकर उसकी मां की हत्या की, तो वहीं पुलिस प्रथम दृष्टया से आत्महत्या का मामला मान रही है। मृतका के छोटे बेटे महेश का कहना है कि उसकी मां मिंटू देवी की परिवार के अन्य सदस्यों ने फांसी लगाकर हत्या की है। वहीं जब कोलवा थाना अधिकारी किताब देवी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि महिला के फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली थी, जिसके चलते मौके पर पहुंचे और शव को दौसा जिला अस्पताल के मॉर्चरी में रखवाया गया। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन फिर भी परिजनों के आरोप के मुताबिक पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जाएगी, उसके बाद ही मौत की वजह साफ होगी। किस तरह की घटना है ये? रामसागर ढाणी बड़ोली की घटना है। इसमें मिंटू पत्नी केशव ने प्रथम दृष्टया लग रहा है कि खुद ने सुसाइड किया है, फांसी खाई है, और आगे क्या है जांच का विषय है। परिजन ये कह रहे हैं कि फांसी लगाई है और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जैसा भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा कार्रवाई जाएगी। कैसे मारे? क्या नाम है तेरा? महेश।